मेरा नाम जानकी है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी। मेरे माँ बाप गरीब थे, इसलिए जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अमीर घर के लड़के से करा दी। मेरे पति का नाम रोहन था। मेरी सास बहुत कड़क औरत थी, लेकिन अचानक एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने देखते ही मुझसे बोला कि ये तो पेट से है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन मैं उस वक्त बहुत हैरान हुई जब पूरे 9 महीने होने के बावजूद भी ना मेरा पेट बढ़ा और ना मैं मोटी हुई थी। मैं जब भी सास को इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन एक रात सास ने खुद कहा कि सुबह तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए यह दवाई खा के सो जाना ताकि बच्चे को जन्म देना आसान हो जाए। लेकिन मैं रात को गोली खाना ही भूल गई। तो अचानक आधी रात को पानी पीने के लिए मेरी जब नींद खुली तो मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, तभी मेरी ननद के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं अपने ननद के कमरे की तरफ जाने लगी और डरते हुए जब मैंने अपने ननद रिंकी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ अपने सास को देखते ही मेरे पैरों की तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी सास मेरी ननद रिंकी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम जानकी है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। मुझे तो दुनियादारी की ज़्यादा समझ भी नहीं थी। मेरे बाबा बहुत गरीब थे, इसलिए जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अमीर घर के लड़के से करा दी। मेरे पति का नाम रोहन था। आज हमारे यहाँ बहुत जोरों की बारिश हुई थी, पानी से सब कुछ बह गया था। मैं गैलरीज में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेंस पर जाना चाहती थी और टेरेंस में नाले और हरे पहाड़ देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास को इधर उधर देखा, लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी सास बहुत कड़क औरत थी, लेकिन जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं पेट से हूँ तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वह मुझे हर समय आराम करने की सलाह देती थी। मुझे टेरेंस पर जाने देना तो दूर की बात है, चारपाई से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। इसलिए घर वालों की नज़रों से छुपकर मैं टेरेंस पर चली गई और चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली थी। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र धसे पेड़ पर पड़ी तो मेरा दिल अचानक सब कुछ खो बैठा। मैं 6 महीने की पेट से थी, लेकिन मेरा पेट अभी भी मेरी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपनी सास को अपनी चिंता बताती तो वह मुझसे कहती कि तुम बिल्कुल पगली हो, यह तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क थी, इसलिए मैं अपनी शंकाओं को काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांट भी देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उफ तक नहीं करती थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी रोहन से हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद करके खूब रोती रहती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुई थी, अलग नहीं हुई थी। अचानक बिछड़ने की जब बारी आई तो दिल ये सब सह न सका था। मैं नहीं जानती थी कि कोई लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति रोहन, सास और ननद रिंकी रहती थी। वह मुझसे कुछ ही महीने बड़ी होगी। मेरी सास उसके लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी थी। रिंकी के साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल के रहती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर रहने लगी। मैंने उससे कई तरीक़ों से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह बड़ी हो गई है न, इसलिए अब अकल आ गई है,
वो तुम्हारी तरह थोड़ी पगली है जो सारा सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। रिंकी सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती थी। उसने शादीशुदा महिलाओं की तरह एक बड़ा सा घूंघट पहनना शुरू कर दिया था। यह देखकर मैं भी अब घूंघट में रहने लगी। रोहन अक्सर हंसते हुए कहते थे, लगता है तुम दोनों पगलियों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों की किलकारी से वंचित थी। मेरी सास मुझे ताने मारती थी और कहती थी कि मैंने रोहन के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था क्योंकि वह हमारे आंगन को ज़्यादा बच्चों से भर देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं गलत लड़की से इस बात की आस लगा कर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने रोहन को माँ की बातें बताकर उससे उसका मतलब जानना चाहा, तो वे तुरंत परेशान हो गए। वह अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से में बोले कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। तभी कहीं जाकर मेरी सास की जुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर जब हमने घर आकर यह खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हो गए। मैं रिंकी के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। जब मैंने रिंकी को यह खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूटकर गिरे थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और ननद इतने भावुक हो जाएंगे। मैं भी खुशी खुशी टेरेंस पर चली गई। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं टेरेंस से उतर जाऊँ, मगर मेरी बदकिस्मती से तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप उठी। अगर घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छिप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी, वैसे वैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मैंने रिंकी को टेरेंस पर चढ़ते हुए देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था। मैं तो ये देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं थी कि लड़कियों के पास भी मोबाइल फ़ोन होता हो। सिर्फ घर के पुरुषों को मोबाइल फ़ोन रखने की अनुमति थी। रिंकी रो रोकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, अब तुम मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसे तुम्हें लड़कियाँ पसंद आती हैं। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे ना तो भी मुझे मंजूर होगा। मैं तो रिंकी की बातें सुनकर हैरान हो गई थी कि क्या वो प्यार के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को भी दांव पे लगाने जा रही थी। तभी मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। रिंकी को वो पुकार रही थी। रिंकी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव से नीचे उतरकर अपने कमरे में जाकर छिप गई। मेरी कानों में अभी तक रिंकी की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आ जाएंगे और एक कदम उठा लेंगे। शाम को जब रोहन ड्यूटी से लौट कर आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप रिंकी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के ना उसकी शादी करा दीजिए। तो रोहन ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता अभी जीवित है, वे खुद ही उसकी कहीं शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके कहा कि रोहन, मुझे रिंकी का चाल चलन ठीक नहीं लगता है। इससे पहले कि वो आप लोगों पे बदनामी का दाग लगा जाए, उसके उचित रिश्ते के साथ मेरी बात अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि रोहन का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर टकरा गया था और फिर वो चिल्लाने लगे थे कि हमारे 5 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था।
मैं तो अचरज से गाल पे हाथ रख के उनकी तरफ सिर्फ देख रही थी। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वे रोहन को डांटने लगी। वो बोली कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, मालूम है ना कि वो पेट से है, ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो रोहन ने कहा कि माँ, अगर तुम उसकी बात सुनोगी तो आप उसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने रोहन को एक उलझन भरी नज़रों से देखा। अगर मैंने कही हुई बात अगर वो सास को बता देते तो मुझे खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देती। लेकिन रोहन इतना कहने के बाद कमरे से निकल गए थे और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर मेरी किस बात पर रोहन को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ ना बोली। और अब मैंने खुद ही कुछ करने का सोचा। मैं रिंकी पर बारीकी से नज़र रखने लगी और मुझे पता चला था कि रिंकी सारी सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठती थी। वो रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती रिंकी अपने कमरे से बाहर आ जाती थी और पूरे घर में घूमती थी और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिंकी को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह रिंकी उधर से उधर भाग रही थी, घर का सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी थी कि माँ जी, तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव की सबसे अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी ना लगने दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई थी और बोली कि नहीं नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत ही पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करवाने से मना किया है। मैं विस्मय से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से चादर हटाई और दाई से कहा कि देखो तो, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर बोला कि मेरी ना आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो पेट से लग ही नहीं रही है। मेरी सास को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा कि चलो उठो यहाँ से और चाय बना, तू क्या सारा दिन बैठकर बातें ही बनाती रहती है। मैं उठकर किचन में आ गई। दोस्तों, इस कहानी के आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग का वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।